गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आईटीआई 247 पर। और आज हम बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OSHE भी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, कल के लाइव वीडियो में कई लोग PDF नोट्स के लिए बोल रहे थे, तो जितने लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो मैं PDF नोट सेंड कर देता हूं, और बाकी जो लोग भी PDF नोट्स जिनको चाहिए वो मेरे इस नंबर पे नोट्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लिख कर भेजें तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी की हमारी तरफ एक लायबिलिटी बनती है कि वो हमें एक सुरक्षित माहौल दे सके, और उस सुरक्षित माहौल में रहकर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हुए वहाँ पर अच्छा कार्य कर सकें। मेरे कहने का आशय यह है कि जब आप ITI कर लोगे और ITI करने के बाद किसी फैक्ट्री में जाओगे या किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर आपकी सुरक्षा, आपकी स्वास्थ्य और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपका पर्यावरण के प्रति रवैया कैसा है, ये सब इस अध्याय में आपको बताया जाएगा। इसको शुरू करने से पहले जो ITI की दृष्टि से जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। ये एक्चुअली जो ये चैप्टर है उसी से निकला हुआ है। जो ये चैप्टर का पूरा फुल फॉर्म होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OSHE। एक्चुअली पहले इसको हम OSH बोलते थे, इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ये शुरू के तीन अक्षर हैं OSH, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। शुरू में बहुत पहले लगभग 1990 के पहले यही वर्ड यूज होता था, पर्यावरण इसमें बाद में जुड़ा। जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया तो एक WHO ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा था कि अब इसका पूरा नाम बदल कर हम लोग पर्यावरण भी इसमें ऐड करें। और जब पर्यावरण ऐड हो गया तो इसको शॉर्ट फॉर्म में SHE बोला जाने लगा। इसका व्यावसायिक हटा दिया गया तो सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट में इसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है ये। अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। जब भी आपको OSH बोला जाए तो आप समझिए कि आपको आपको इसमें पर्यावरण को भी इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब पूरे अध्याय का नाम बोला जा रहा है ये। चाहे जब भी आपको यहाँ पे SHE बोला जाए तो आप समझिए कि पूरे चैप्टर की बात की जा रही है, पूरे टॉपिक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत किसी व्यवसाय या रोजगार में लगे हुए लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर विचार किया जाता है। मतलब उनकी सुरक्षा और उनका हेल्थ अगर सही रहेगा, अगर वो हेल्थ से हेल्दी रहेंगे तो उनकी जो वर्क एफिशिएंसी रहे या कार्य क्षमता जो है उस कंपनी के प्रति ज़्यादा रहेगी। अगर उनकी कार्य क्षमता ज़्यादा रहेगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उस कंपनी की उत्पादकता ज़्यादा होगी। अगर उत्पादकता ज़्यादा होगी तो उस कंपनी का आय ज़्यादा होगा, अगर उस कंपनी का आय ज़्यादा होगा तो वो अपने कर्मचारियों की सैलरी अच्छी रखेगा, मतलब उनके कल्याण पर भी सोचेगा। ठीक, तो जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो कर्मचारियों के सेफ्टी, हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सोचती हैं। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है व्यावसायिक सुरक्षा क्या होता है। ये बताया गया है यहाँ पे कि कार्यस्थल पर, मतलब जो हमारा वर्क प्लेस है, उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों के पूर्वानुमान एवं नियंत्रण का विज्ञान है। मतलब जो भी वहाँ पे खतरे होते हैं, देखिए हर इंडस्ट्री का अपना अपना खतरा होता है, डेंजर जोन होता है। IT फील्ड है वहाँ पे अलग डेंजर का वो होता है, कोई फैक्ट्री है, केमिकल की फैक्ट्री है या जूता निर्माण करने की फैक्ट्री है या कोई प्लास्टिक निर्माण करने की फैक्ट्री है, तो जो जिस तरीके की होती हैं, जैसे फिटर और इलेक्ट्रीशियन जो बड़ी बड़ी
सिविल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे बड़े बड़े मशीनें होते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े औजार होते हैं, तो वहां पे खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, आईटी फील्ड में कंप्यूटर से काम करना होता है, तो वहां पे खतरा थोड़ा कम होता है। तो अलग अलग कंपनियों पे निर्भर करता है कि क्या वहां पे खतरा है। आगे हम लोग देखते हैं, ये दो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली बनते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। सभी लोग अच्छे से समझ लें, एक WHO है और एक ILO है। ILO को पूरा नाम में बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसको मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर से ही रिलेटेड है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये यहाँ पे मैं लिखना चाहता था, वहाँ पे चला गया, कोई बात नहीं। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1919 में इसका निर्माण हुआ था। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1948 में। इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ILO के द्वारा प्रति वर्ष 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ मनाया जाता है। मतलब प्रति वर्ष 28 अप्रैल को यहाँ पर विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है कि कर्मचारियों को अवगत कराना कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा और हेल्थ को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सके। और इन दो संस्थानों का काम क्या है, ये एक्चुअली सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक कंपनियां अपने कर्मचारी के लिए ये तीन चीजें सुनिश्चित करें। ये तीन चीजें क्या हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए एक ये फोटो है, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1943, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो लेथ पर कार्य करती हुई एक ब्रिटेन की लड़की अपने कार्य का निरीक्षण कर रही है। ये लेथ मशीन है, जो टर्नर और फिटर के लोग होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, किंतु उनकी आंखों पर सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे फेस शील्ड इसको लगाना चाहिए था, लेकिन इसने लगाया नहीं है। वर्तमान समय में इस तरह कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर ऐसे कार्य करते हुए कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है या कोई देख लेता है, उसकी कोई शिकायत कर देता है, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो वर्तमान में ऐसे कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, हैजार्ड्स मतलब होता है खतरा, हैजार्ड्स मतलब होता है खतरा। व्यावसायिक खतरा क्या क्या होते हैं वो चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि व्यावसायिक खतरे होते क्या है। व्यावसायिक मतलब होता है कि आप एक तरीके से इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल जैसे ऑक्यूपेशनल भी बोलते हैं, मतलब आप जहाँ ऑक्यूपेशन करते हो, आप जहाँ जॉब कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, वहां पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही मैंने सरल भाषा में ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके बाद में वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका सार बता देता हूँ क्या है, कि जब भी हम जहाँ पे काम करते हैं तो वहां पर देखिए ये व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे कर्मचारियों को अस्थायी या स्थायी रूप से अपंग असमर्थ बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब ये जो खतरे होते हैं, ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्री में, तो वहां पर बड़ा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ITI की दृष्टि से आप लोगों को जो पढ़ने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये जो खतरे हैं इनके प्रकार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ नामी गिरामी प्रकार हैं और इसको मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, अगर इसका नोट्स आप लोग बनाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, इस यही वाले सेक्शन को बार बार, आपको ये पूरा याद हो जाएगा, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। आप समझते चलिए, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स, इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही यूनिक नेम है और ये पूछा भी जाता है, एर्गोनॉमिकल होता क्या है। इसको एक्चुअली बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स से आया हुआ है। एर्गोनॉमिक्स जो होता है वो, उसको हम लोग ह्यूमन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, मानव मानव इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को हिंदी में अभियांत्रिक बोलते हैं, तो मानव अभियांत्रिक। इसका मतलब होता है कि मानव कार्य ऊर्जा विज्ञान भी इसको बोला जाता है। मानव कार्य ऊर्जा विज्ञान मतलब मनुष्य, कोई भी कर्मचारी या मनुष्य कह लीजिए, और उसके कार्यों के बीच का जो संबंध होता है इसमें पढ़ा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब कर रहा हूँ,
तो मेरा कोई कार्य होगा तो मैं उस कार्य को कितना पसंद करता हूँ, मैं उस कार्य से बोर तो नहीं हो रहा, ठीक है, एक ही जगह बैठे बैठे मेरा कहीं कोई मांसपेशियां तो नहीं खींच गई। तो इस तरीके के जो खतरे होते हैं वो एर्गोनॉमिकल खतरे में आते हैं, ठीक है। तो उबाऊपन हो जाता है कभी कभी, अगर हम एक ही कार्य को करते करते, तो हमें टहल लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा अपने शरीर को स्ट्रेचेबल बना लेना चाहिए। तो ये सब खतरे जो होते हैं एर्गोनॉमिकल खतरे में आते हैं। भौतिक खतरे क्या होते हैं, फिजिकल हजार्ड्स। भौतिक मतलब आप समझते हैं कि फिजिकल हजार्ड्स मतलब होता है, जैसे फिजिक्स याद रखिए, फिजिक क्या होती है, बॉडी की फिजिक होती है, मतलब वो खतरे जो हमारे द्वारा उत्पन्न किए जाते हो, जो व्यक्ति के शरीर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हो, या वहां से शुरुआत होती है। जैसे आपने कोई फैक्ट्री में हो और कोई गर्म चीज है उस पर आपने अपना हाथ रख दिया, ठीक है, तो यह किस में आएगा, फिजिकल खतरे में आएगा, फिजिकल हजार्ड्स में आएगा, भौतिक खतरे में। या आप किसी बर्फ की कंपनी में, कोई ठंडी चीज है उस पर आपने अपना शरीर का कोई भाग रख दिया, तो उससे आपका क्या है, आपको खतरा रहता है। या कोई मशीन चल रही है उसमें आपने अपना हाथ आप गलती से चला गया, तो वो एक भौतिक खतरा हो गया, ठीक है। या आप चल रहे हो और कहीं फिसल कर गिर गए, तो आप अपनी गलतियों से जब कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम लोग भौतिक खतरे कहते हैं, फिजिकल हजार्ड्स। रासायनिक खतरे, नाम से ही आप जानते हैं कि रासायनिक मतलब कोई केमिकल से होता है, जितनी फैक्ट्रियां होती हैं लगभग सब में केमिकल यूज किया जाता है। अब ये जितने खतरे होते हैं सब खतरों के बचाव भी होते हैं, और उनके बचाव क्या होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग सुरक्षा की बात करेंगे। अभी हम लोग इस पर टाइप एक एक करके अच्छे से समझ लें। तो रासायनिक खतरे आप लोग समझ गए, केमिकल के द्वारा होने वाले खतरे। जैविक खतरे, जीव जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या जो अगर कोई बायोलॉजिकल कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वैक्टीरिया भी होते हैं, तो उनसे भी जो खतरे होते हैं तो उसको हम लोग जैविक खतरे कहते हैं। ये ज्यादातर कहाँ होते हैं, जो कृषि की कंपनियां होती हैं, जो पेस्टिसाइड्स की कंपनियां होती हैं वहां पर होते हैं। मनोसामाजिक खतरे, इसको हम लोग साइको सोशल हजार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। मनोसामाजिक नाम से समझिए, अगर हमारी मनोस्थिति, मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव से जो खतरे उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग मनोसामाजिक खतरे बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा चीज, हम अगर किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो वहां की कोई भी एक ऐसी स्थिति जो हमें मानसिक तनाव दे, तो इसी के अंतर्गत आएगी। जैसे हमारे बॉस का कोई बॉस है, अगर किसी कर्मचारी का कोई बॉस है उसको उसको सता रहा है, इस तरह काम करो, ये काम करो, एक्स्ट्रा काम दे रहा है वो, उसका उसका वेतन नहीं दे रहा है, तो वो उसका क्या करेगा, बेवजह उसका तनाव लेगा, या उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, या उसकी उसकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, या उसको डर है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये सब के जो खतरे होते हैं वो मनोसामाजिक में आते हैं। हानिकारक विकिरणों से खतरे, जो रेडिएशन होते हैं, ये मैंने बताया था आपको पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि अगर कोई एक्सरे मशीन है उसके पास बहुत देर तक कोई खड़ा रहता है तो उससे रेडिएशन निकलता है, तो वो सब चीज़ें खराब होती हैं, अपने शरीर की स्थितियाँ जो होती हैं, बहुत सारी विकृतियाँ पैदा होती हैं यूवी रेज से जो किरणें निकलती हैं। तो इस तरह के जो खतरे होते हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है। यांत्रिक खतरे, मैकेनिकल हजार्ड्स, अगर मशीन के द्वारा कोई मशीन चलाते वक्त आपको पता नहीं है कि मशीन कैसे चलाई जा रही है और आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो मशीन आपको क्या कर देगी, घायल कर देगी। कंफ्यूजन होता है हमेशा मैकेनिकल हजार्ड्स में और फिजिकल हजार्ड्स में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फिजिकल वो जो आपके द्वारा उत्पन्न किया जाए, यांत्रिक मैकेनिकल वो जो मशीन के द्वारा उत्पन्न किया जाए। कोई भी खतरा जो मशीन के द्वारा हो वो यांत्रिक होता है। विद्युत खतरे सभी को पता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो खतरे उत्पन्न हो जाते हैं, लाइट या बिजली किसी को लग जाती है तो उससे हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, विद्युत खतरे होते हैं। कंपन तथा ध्वनि संबंधी खतरे, ये जो खतरे होते हैं जैसे कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा मशीन है तो बहुत ज्यादा आवाज आता है, बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होता है, कान खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं, जगह होती है कंपनी की, तो वहां पर रोटेशनल बेसिस पे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि अगर एक ही कर्मचारी को वहां पर बहुत देर तक, दिनों तक रखेंगे तो उसके कान खराब होने के खतरे रहते हैं। उसमें खतरे में आपके आ जाएंगे जैसे कि आपके जो हीट से जो खतरे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वहां पे आप चले जाते हैं वैसे ही, तो आपको इस तरीके के खतरों से सामना करना पड़ता है। अब इसके उपाय जो होते हैं खतरों से बचने के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर
पहले आप इतना ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मैंने एक ऐसे ही डायग्राम मैंने आपको आपको समझाने के लिए यहाँ पे रख लिया। ये तीन तरह के खतरे यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो खतरा है देखिए यहाँ पे, ये केमिकल हजार्ड से यहाँ पे फोटो बनाया गया। देखिए हाथ धो रहा है जैसे, तो एक्चुअली ये धोने जैसा नहीं है, ये एक्चुअली केमिकल का जो बीकर होता है उससे उसको गिर गया, तो ये खतरा है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल हजार्ड्स, और ये बायोलॉजिकल, देखिए बायोलॉजिकल हजार्ड्स का ये सूचना पट्टी है, जैसे कि कोई यहाँ पर बैक्टीरिया का साइन या ऐसे कुछ बनाया गया है। फिजिकल हजार्ड्स में देखिए, ये देखिए गिर गया है ये, तो मैंने बताया था ना अभी आपको कि अगर कोई फिसल जाता है यहाँ पे, फिसल के गिर गया तो वो फिजिकल हजार्ड्स में आएगा, भौतिक हजार्ड्स। आगे चलते हम लोग, देखिए एर्गोनॉमिक्स मैंने यहाँ पे अभी आपको पिछले बताया, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि इसको ह्यूमन इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसका लास्ट का पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप समझ लीजिएगा कि इसके अंतर्गत मानव एवं मशीन से पूर्ण दक्षता के साथ काम लिया जा सके। एर्गोनॉमिक्स का प्रमुख लक्ष्य मानव एवं उसके कार्य के मध्य श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित कर मानवीय कुशलता एवं कल्याण में वृद्धि करना है। मतलब यही है कि आदमी कहीं भी जो काम कर रहा है वो अपने कार्य से प्रेम करे, उससे उसको लगन से करे, तब फायदा है और उसकी जो वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्य क्षमता जो है बढ़ेगी और उसको उसका लाभ पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात आती है सुरक्षा, जो मैं कह रहा था आपको डिस्कस करने के लिए। सुरक्षा तीन प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा होती है, जिसमें आपको स्वयं स्वयं की सुरक्षा करनी होती है। किससे? मशीनों से। मशीनों पे काम करते वक्त सबसे पहले तो आपको उस मशीन का पूर्ण तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ढीले ढाले कपड़े ना पहने, और वहाँ पर बिल्कुल भी सतर्क रहें और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आप समझें कि आप कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल चेतना अवस्था में रहकर कार्य करें। तो इस तरीके की जो सुरक्षा होती है स्वयं की सुरक्षा में आती है। साधारण सुरक्षा ये है कि जो सिंपल जो आपके जो आदतें होती हैं उसको सही रखना है, मतलब कार्य करते वक्त किसी से बात नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की सुरक्षा साधारण सुरक्षा में आती है। मशीन की सुरक्षा मतलब आपको मशीन की निश्चित अंतराल पे उसकी साफ सफाई करते रहना चाहिए, उसमें तेल या जो भी उसमें चीजें जरूरत हैं तो उसमें आपको वो सब लगाते रहना चाहिए, जिससे कि कोई खतरा उत्पन्न ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह, ठीक है, चार प्रकार के होते हैं। पहले तो आप लोग रट लीजिए इसको। एक होता है आपका निषेधात्मक, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोहिबिटिव, सकारात्मक मैंडेटरी, सचेतक वार्निंग एंड सूचक इंफॉर्मेटिव। जो निषेधात्मक मतलब होता है कि जहां पे जाना वर्जित है उसको रेड कलर से हम लोग करते हैं। मैंडेटरी मतलब जो आपको चाहिए ही, आपको कार्य करते वक्त ये पहनकर जाना है, ये ऐसे करना है, तो ब्लू कलर से हम लोग करते हैं। वार्निंग येलो से देते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो होता है वाइट कलर से लिखते हैं, और बैकग्राउंड ग्रीन का होता है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। निषेधात्मक मैंने जो भी बताया वही यहीं पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये चिन्ह कुछ क्रियाकलापों को कार्यालय में न करने की चेतावनी देते हैं, जैसे धूम्रपान न करना, आग न जलाना, जलती आग को जल से न बुझाना, पैदल निर्दिष्ट स्थल को पार न करना आदि। ये चिन्ह वृत्ताकार लाल बॉर्डर युक्त और लाल रंग की क्रॉस पट्टी, देखिए जैसे लाल रंग की है और वृत्ताकार बॉर्डर क्रॉस पट्टी लगी होती है, तो इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि आप जो कि नाम याद कर लें, ठीक है। और दूसरी चीज कि लाल रंग से इसको हम लोग साइन बोर्ड पे दिखाते हैं, और इसके एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, धूम्रपान न करना, ठीक है, आग न जलाना इत्यादि। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सकारात्मक मैंडेटरी, जो मैंने बताया अभी आपको। इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा आपको आग्रह किया जाता है कि आप दस्ताने पहने, टोपी पहने, चश्मा पहने, जूते, मास्क इत्यादि लगा कर आए। जैसे यहाँ पे देखिए मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, सेफ्टी हेलमेट मस्ट बी वॉर्न, मतलब आपको हेलमेट पहनकर आना ही पड़ेगा। प्रोटेक्टिव फुटवेयर मस्ट बी वॉर्न, मतलब जूते आपको, सुरक्षित जूते आपको पहनने चाहिए, ग्लव्स आपको लगाने चाहिए, और ये चश्मा आपको लगाना चाहिए। इनका कलर जो होता है आपका ब्लू होता है और श्वेत रंग से बनाए गए होते हैं, ठीक है। बस ये याद करने की चीज है। सचेतक, जो आपको वार्निंग दी जाती है, येलो कलर की वार्निंग होती है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे ये वार्निंग आपने देखा होगा, बिजली के खंभों पर लगा होता है, ठीक है,
तो आपको ये दिखाता है कि ये आपका पॉइजन या टॉक्सिक ऐसे करके ये, ठीक है। बिजली खंभों पे आपने अक्सर इसको देखा होगा, खतरा का, जहाँ डेंजर का साइन होता है, ठीक है। देखिए ये बायोलॉजिकल हैजार्ड्स का मैंने भी बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। सूचनात्मक, सूचनात्मक इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा कार्यशाला कार्यकरों एवं आगंतुकों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा स्थल। मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी कंपनी में जो काम करते हो, तो वहाँ पे इस तरह के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पे है, तो उसको एरो करके बना दिया जाता है कि यहाँ पर है। मेडिकल सुविधा कहाँ पे है, तो वो सब बता दिया जाता है, ठीक है। और ये जो साइन है वो है फर्स्ट एड का, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्राथमिक उपचार। इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक नोट्स दे दूंगा, ठीक है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे देखिए स्मोकिंग एरिया होता है, मतलब वहाँ पे एक एरिया बना दिया जाता है, वहाँ पे दे दिया जाता है, विकल्प दे दिया जाता है कि आप जाकर वहाँ पे स्मोक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे चार प्रमुख सूचना चिन्ह थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, और आप ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लिंक से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आज मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ITI एडमिशन 2020 को लेकर। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी आपके जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बाएं साइड जो मेरा चैनल का लोगो है, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और राइट साइड आपको यही दिख रहा है कि वही वीडियो जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।